देखिए यार, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया और हमने देखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव से जो सरकार का मोटिव क्या था, वो मोटिव क्या रहा सरकार को ये एक्ट पास करने के पीछे। अब हमको देखना है कि डिड द कांग्रेस एक्सेप्टेड और ऑब्जेक्टेड और रिजेक्टेड दिस थिंग। ओके, तो व्हाट वाज द कांग्रेस रिएक्शन टू दिस एक्ट? कांग्रेस का क्या जवाब रहा है जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया जाता है? ओके, तो यहाँ पे तुरंत ही आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस की मेजोरिटी लीडरशिप थी, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सरकार ने पास किया है उसको रिजेक्ट करते हैं, एंड वी आर डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आप तुरंत का तुरंत अभी संविधान सभा की स्थापना कर दो और उसी के बाद हम लोग बात करेंगे, उसके सिवा हम लोग को आपके साथ बात करनी नहीं है। अब यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रुप को लेके भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एक और ग्रुप कांग्रेस के अंदर उभर के आएगा। ये ग्रुप का मानना था, ओके, ये भुलाभाई देसाई जैसे लोग थे, इनका मानना ये था कि हम लोग काउंसिल्स के अंदर घुस के वहाँ पे जो डेडलॉक क्रिएट कर पाते हैं, तो आप लोग मान जाओ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडली, हमको ये भी देखना है कि आपके यहाँ पे जो गांधी जो थे उनकी क्या पोजिशन रही, डिड गांधी एक्सेप्टेड? जैसे हमने देखा ना, स्वराजेश प्रोग्राम को गांधी ने एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था, या इसको किया था या कौन से टाइम के ऊपर किया था? ओके, सो एज यूजुअल गांधी इनिशियली अपोज द ऑफिस एक्सेप्टेंस। गांधी ने बोलना था, या गांधी का मानना ये था कि आप लोग एक साइड के ऊपर पावर के ऊपर चले गए तो पावर आपको करप्ट कर सकेगा, आपकी पूरी पूरी शक्यता है। ओके, लेटर ऑन उनको ज़्यादा उनको परस्यू किया जाता है और गांधी एक्सेप्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, चलो आई एम ट्राइंग टू गिव अ ट्रायल, कि बोले एक बार चलो एक बार हम लोग मौका कर सकते हैं। अब यहाँ से ही ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो ऑफिस एक्सेप्टेंस का प्रोग्राम था, वो कांग्रेस के दो सेशन, एक तो लखनऊ सेशन 1936 और दूसरा एक सेशन हुआ था फैजपुर के अंदर, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाता है और वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता कि कांग्रेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आपकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, वो प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर कांग्रेस को करना चाहिए इलेक्शन, कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी क्लियर हो चुका था। एंड बाय 1937 यू विल सी देवर इलेक्शंस टू प्रोविंशियल असेंबलीज, और वहाँ से ही कांग्रेस शुड फाइट और कंटेस्ट दिस इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ डिटेल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये चीज़ भी डिसाइड कर दी गई थी। तो पिक्चर बहुत क्लियर था कि सरकार अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रही है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत बोल रही है कि यहाँ पे राज्यों के अंदर नई सरकारें बनेगी, तो कांग्रेस उसके अंदर भाग ले सकती है। 2014 2004 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर दी अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन गवर्नेंस प्रोविंसेस, पावर ऑफ गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, अबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? दी मोस्ट राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज वन एंड टू, वो क्यों हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। पहला है अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन गवर्नेंस प्रोविंसेस, ये था कि नहीं था? आपकी जितने भी प्रोविंशियल जो भी असेंबलीज हुआ करती थी, वहाँ पे डायरकी हटा दी गई, और डायरकी कहाँ ली देगी? आपकी सेंटर के अंदर, आपकी फेडरल के अंदर, तो फेडरल के अंदर आपकी डायरकी लाएगी, स्टेट्स के अंदर से अबॉलिश की गई। दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंडली, द पावर्स ऑफ द गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, दिस वॉज कंटिन्यूड, ये तो कंटिन्यू रहा ही है। गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास फाइनल तो वीटो तो हुआ ही करता था ना, कि वी फॉर वीजा, वी फॉर वीटो पावर। तो ये विक्ट्री है, वीज़ा पावर है, वीटो पावर, जो भी आप मानोगे, ये वीज़ा पावर, वीटो पावर, विक्ट्री पावर गवर्नर्स के पास पहले से ही रहा है। तो वो चाहे कोई भी एक्ट मेजोरिटी आप पढ़ोगे, उसके अंदर ये वीटो पावर तो था ही। अबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कभी अबॉलिश किया इन्होंने? थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री कभी नहीं किया। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है ना, उसके बाद हम लोग ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को अबॉलिश करेंगे। एंड यू विल सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो थर्ड वाला करेक्ट हो गलत हो जाता है, तो सी और डी निकल जाएगा। आपका बेस्ट आंसर रहेगा वो है बी, वन एंड टू। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं वन एंड टू इज द राइट आंसर। अब देखिए यार, कि फेब्रुआरी 1937 के अंदर, 1937 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शंस कौन से बेसिस के ऊपर हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और वही इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस करीबन 711 सीटें जीत जाती है, टोटल 1161 सीट के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर लड़ती है,
और वहाँ से ही आपको देखने को मिलता है कि बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को छोड़ के मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स जो इंडिया के अंदर थे वहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी, और इसी पीरियड को बोला जाता है 28 मंथ्स ऑफ द कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। ये फरवरी 1937 से इनका फरवरी 1937 से इनकी असेंबली के अंदर जो विक्ट्री होती है उसके बाद वहाँ पे अलग 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 राज्यों के अंदर सरकार बनाती है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन बॉम्बे, मद्रास, सीपी, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और लेटरन NWFP और असम के अंदर भी बना दी जाती है। एंड यू विल सी दैट द कांग्रेस फॉर्म्स द मिनिस्ट्री, और यहाँ से ही फरवरी 1937 से लेके सितंबर 1939 का जो पीरियड था वहाँ पे 28 महीनों तक कांग्रेस का अलग अलग राज्यों के अंदर अपना शासन चलता है, उसी मुद्दे को बोला जाता है 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल इन दी प्रोविंसेस। हमको ये देखना है कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने क्या क्या अच्छा अच्छा काम किया है और कौन सा काम नहीं किया। तो वर्क डन बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ड्यूरिंग दिस 28 मंथ्स टाइम, कहाँ कहाँ इन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है। सबसे पहला काम देख लेते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ अच्छा किया, वो है लॉ एंड ऑर्डर की ऊपर वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। अब देखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा था इंडिया के अंदर। ब्रिटिश रूल पूरा का पूरा यहाँ पे शासन चलाया करते थे, और इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा इनकी चलती नहीं थी। बट नाउ फर्स्ट टाइम द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर इन पावर, तो ये तुरंत ही यहाँ पे आपकी जो सिविल राइट्स थी, जो आपकी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आपने बैन लगा दिया था उसको हटा देंगे। बोले नहीं, ये तो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर बैन नहीं रख सकती कभी सरकार। सेकेंडली, आपके प्रेस के ऊपर, आपकी फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन की जो बात हो रही है उसके ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाते हैं। यू विल ऑल्सो सी दैट द पुलिस पावर्स वर कर्ब्ड एंड द CID उस टाइम के अंदर जो वो है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है वाली जो संस्था हुआ करती थी, वो अच्छे खासे पॉलिटिशियंस को फॉलो कर रही थी, उनको शेडो कर रही थी, वो भी बंद हो जाता। अब देखिए यार कि पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। क्यों? जैसे पुलिस का देख लीजिएगा कि पुलिस के साथ क्या हुआ कि जो लोग को ये कल तक पुलिस वाले कल तक जो इंसान को पीट रहा था, उसको मार रहा था, उसको दौड़ा रहा था, आज उसको उसका बॉस बन के आया है क्योंकि पॉलिटिशियन था, कांग्रेस के मिनिस्ट्री के अंदर पावर के अंदर आ गया। तो पुलिस वालों का जो मॉरल था वो थोड़ा बहुत डाउन होता है। बोले नहीं यार, ये आज नहीं तो कल हमारे सत्ता के ऊपर आ सकते हैं और हमको इनके इनके साथ अच्छे से पेश आना पड़ेगा। ओके, सो पुलिस पावर्स वर कब, पुलिस के पावर जो कांग्रेस की सभ्यों की पहले जो पिटाई हुआ करती थी वो कांग्रेस नहीं करेगी। बोले हमारे लोग हैं, हमारे ही भाई बंधु है, उसको थोड़ा सुधारा जाए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाता है बहुत सारी जगहों के ऊपर, क्रांतिकारियों को भी छोड़ने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो जो भी पॉजिटिव काम हो सकता था अपने डोमेन के अंदर रह के वो सब काम इन्होंने करने की कोशिश की है। सेकेंड जो काम हो रहा था वो है आपके लेबर और एग्रेरियन सेक्टर्स के अंदर। यू विल सी कि एग्रेरियन इंडस्ट्री कैसी हुआ करती थी इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर हमने क्या देखा पहले के क्लासेस में कि एग्रीकल्चर के तहत हमको जानने को मिलता है कि लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर कुछ नहीं था। यहाँ पे ये लोग कोई ना कोई चीज़ बना के यहाँ पे रेवेन्यू लगाया करते थे भारत के लोगों के ऊपर। भाई फलाना टैक्स, ये टैक्स, ढिमका टैक्स, फलाना रेवेन्यू, ये देना पड़े। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स विच वर लेविड ऑन बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडियन पीपल पर्टिकुलर द फार्मर्स वर रिवोक्ड बैक। एंड यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट लॉज विच वर पास बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट बेस्ड इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेज, जो भारत के लोगों के लिए भला कर रही है। साथों साथ यहाँ पे दूसरा मुद्दा जो उभर के आ रहा था वो था लेबर का, और लेबर की जो स्ट्राइक्स होती रहती थी पहले के दौरान, अब तो कैसा हो गया कि ये स्ट्राइक्स क्या पहले तो अंग्रेजों के विरुद्ध में हो रही थी, अब तो ऐसा है कि ये स्ट्राइक कौन कर रहा है कि भाई भारत के लोग भारत के विरोधी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये स्ट्राइक को थोड़ा बहुत इन्होंने कम कराने की कोशिश की है। आर्बिट्रेशन पीरियड के अंदर चले जाओ, अगर मिल ओनर और मिल वर्कर का जो भी इश्यू है उसको भी फोकस कराने के ऊपर कोशिश की जा रही है। बहुत बार ऐसा होता था कि यही कांग्रेस सरकार के ऊपर सबसे बड़ा जो लाछन लगाया जाता है वो है वही है कि आपने अपने लोगों को ही काफ़ी बार पिटवा दिया। ओके, सो यू विल सी व्हेन द स्ट्राइक्स ऑकर्ड द गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्रीज टुक द रिकॉर्ड्स टू सेक्शन 144 एंड अरेस्टेड द लीडर्स। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे लोगों को ये लोग अरेस्ट भी करा देते थे, बट इन्होंने बहुत पॉजिटिव काम कराने की भी कोशिश की थी। इकोनॉमी के अंदर बात कर दे तो इकोनॉमी के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस को, है ना, कि कम मेक इन इंडिया, वाइब्रेंट इंडिया। ओके, तो ये पूरा का पूरा मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन तेलंगाना
वाला जो प्रोसेस चल रहा था, तो इन्होंने इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को फोकस किया, बोले आप यहाँ पे बनाइए, हम लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। साथों साथ इसी दौरान आपको देखने को मिलता है कि 1938 के आसपास, बाय 1938, नेशनल प्लानिंग कमिटी, जो लेटर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर आपकी प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना की जाती है उसी का ही प्रिकसर था, उसकी शुरुआत की जाती है सुभाष बोस के अध्यक्षता के अंदर। ओके, सुभाष बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं तब, और एनपीसी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आपके जो चेयरपर्सन जो हुआ करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट ये रहा मिनिस्ट्रीज को लेके कि इनके पास काम बहुत करना था, बट दे डिड नॉट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना, कि बोले भागी ना खीस, तोड़ी ना खीस, भूखो करी ना खीस, बट उसके लिए एनर्जी भी चाहिए आपको किसी को कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये मिनिस्ट्रीज के साथ यही हो रहा था कि इनको काम बहुत करना था, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम के साथ आगे बढ़ाना था, बट हुआ ये कि दे वर हैविंग वेरी लेस रिसोर्सेज, क्योंकि अंग्रेज इनको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दे रहे थे, जो लिस्ट हुए थे आपके प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर भी इनको भी ज़्यादा पावर नहीं दिए गए थे। ओके, फाइनली ये लोग सोशल रिफॉर्म, सामाजिक चीज़ों के अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और सोशल रिफॉर्म के तहत जो गांधीयन आइडियोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर, वेयर दे ट्राई टू इम्पोज प्रोहिबिशन, बोले भारत के अंदर आदमी ये है ना, इसके पीछे अल्कोहल के पीछे ना जाए, उसके इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है। साथों साथ यहाँ पे जो आपकी टेम्पल एंट्री प्रोग्राम जो सेकेंड फेज के अंदर आपको देखने को मिलता है, जहाँ भारत की जो दलित वर्ग, जो हरिजन समुदाय था, उन लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिव आउटकम के साथ आगे बढ़ पाए, उन्होंने वैसा भी काम करने की कोशिश की है। साथों साथ यहाँ पे एजुकेशन के अंदर जो पहले बार भारत के अंदर लोग जितने भी थे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा था, और एजुकेशन के अंदर प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर भी इन्होंने फोकस किया है कि भाई हमारी सरकारें बनी है तो हम लोग यहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। बाय सितंबर अक्टूबर 1939 यू विल सी दैट द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज अ रिजल्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन। अब मुद्दा ये हो रहा था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्यों रिजाइन कर दिया, वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब हुआ ये कि सितंबर 1939 से ही, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूछे बिना ही इंडिया को पार्टी बना दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, बोले ये तो हमारी तरफ से लड़ेंगे। ओके, तो हमारी कांग्रेस बोल रही है कि हम लोग इतने जिम्मेदार फोर्सेस है, हम लोग यहाँ पे सरकारें चला रहे हैं, और आपने एक भी दफ़ा हमको पूछने की कोशिश भी नहीं की, और एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट ये लोग वहाँ से रिजाइन कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने रिजाइग्नेशन क्यों दिया, वो तो देखा, अब इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, किस तरह से इनकी सरकार चलती है, कौन सा अच्छा काम करती है, कौन सा थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होगा। 28 महीने तक कांग्रेस की सरकारें रही, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हमने देखा, कौन सारे, बॉम्बे, यूपी, सीपी, उड़ीसा जैसे प्रोविंसेस के अंदर थी, वहाँ पे कैसा काम करेगी। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या था, इम्पॉर्टेंट असेसमेंट करोगे वो था कि यहाँ पे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए ना, वो कौन ला सकता है, वो सिर्फ भारत के लोग ही ला सकते। सो इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट वॉज नेसेसरी फॉर रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस थिंग गॉट कन्फर्म। होता है ना कि स्टैंप लग जाता है, ट्रू कॉपी का स्टैंप लग के सही सिक्का करके फोटो हो जाता है, और ये पूरा का पूरा आपकी दस्तखत रेडी हो जाता है। इसके पहले ऐसा था कि हम लोग को लगता था कि यहाँ पे सामाजिक बदलाव आ ही नहीं सकता, बट ये चीज़ हमने दरकनार करके पूरा का पूरा चेंज कर दी है। जब कांग्रेस की सरकारें बनेगी तो हमने सोशल रिफॉर्म्स के अंदर देखा कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया है, और ये चीज़ कन्फर्म हो गई, बोले भारत के लोग जब सरकार बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सामाजिक बदलाव आ सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स आ सकते हैं, चेंजेस डेफिनेटली आ सकते हैं। सेकेंडली ये भी ये चीज़ बहुत जायज कर देता है, दैट इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ मूवमेंट कुड यूज अ स्टेट पावर टू फर्दर इट एंड्स विदाउट बींग कोऑप्टेड। इसका मतलब क्या होता है, अ मूवमेंट कुड यूज अ स्टेट पावर टू फर्दर इट एंड्स विदाउट बींग कोऑप्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि एक आंदोलन राज्य की जो सत्ता है उसका उपयोग करके अपने जितने भी सिद्धांत थे उसका पूरे का पूरा दायरा बना के रखेगा, पर राजा के साथ कभी मिलेगा नहीं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या किया, 28 महीनों तक जब शासन चलता रहता है तो राज्य के साथ कभी मिले, डिड दे ट्राई टू गो हैंड इन हैंड विद द ब्रिटिशर्स, बोले नहीं। ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही थी, वो स्ट्रेट लाइन यही थी कि यहाँ कुछ भी हो जाए हमको भारत के लोगों के लिए अच्छा काम करना है, और इसने ये चीज़ दिखा दी है, बोले कांग्रेस एक आंदोलन की तरह था, अ मूवमेंट कुड यूज स्टेट पावर, बोले एक आंदोलन राज्य की सत्ता का उपयोग कर सकता है और अपने जितने एंड्स है उसका जो भी मेन गोल होगा, एंड गोल होगा, उसको फुलफिल भी कर सकता है विदाउट बींग कोऑप्टेड। बोले सरकार के साथ एक थाली में खाऊंगा नहीं, उसके साथ हमने खाना पकाया है बट मैं खाऊंगा नहीं, क्यों, खाना उसमें से मुझे बहुत सारे लोगों को, भारत के जो गरीब लोग हैं उनको देना था। ओके,
थर्डली यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो अंग्रेजों ने एक मिथ बना के रखा था, बोले है ना कि हमको क्या बोलते थे, व्हाइट मैन्स बर्डन, बोले आप तो गोरे लोगों के बोझ हो, बोले हम आपको सुधारने आए हैं और आप कभी यहाँ पे सत्ता लो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको सिखाया है डेमोक्रेसी क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज लिबर्टी, इक्वालिटी। सो ये जो मिथ इन्होंने बना के रख दिया, बट फाइनली 20, और इन्होंने बताया कि आप कभी राज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रूल। बोले रूल करने के लिए तो हम लोग, हमारे पास कोरी चमड़ी है भाई साहब। बट नाउ यू विल सी दैट द मिथ विच वॉज बींग प्रोपोगेटेड बाय द ब्रिटिशर्स सिंस द अर्ली टाइम गॉट ब्रोकन। बोले क्या इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल, बोले क्या 28 महीनों तक सरकार चलाई है और डंके की चोट के ऊपर सरकार चलाई भाई साहब, और इतनी इतनी बढ़िया तरह से सरकार चलाई है और खुद के दम के ऊपर रिजाइन किया है, क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बीच में आ गए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमला, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को बिना पूछे ही इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टी बना दिया, एंड दे टुक अ स्टैंड। तो ये जो मिथ था, बोले इतने 28 महीनों तक सरकार कैसे चला पाई, इतनी बढ़िया चलाई है और भारत के लोगों का बहुत ही अच्छा करने की कोशिश की इन्होंने। एक सबसे फंडामेंटल चीज़ वही मैंने आपको बताया, दैट दे डिड वेरी गुड वर्क विथ मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बोला पैसा नहीं था, बहुत पैसा नहीं था, मिनिमम रिसोर्सेज थे, बट उसमें से भी जुगाड़ करके भारत के लोगों का भरा हो पाए और हम लोग किस तरह से ब्रिटिश रूल को वीक कर सके, इन्होंने अच्छा अच्छा पूरा का पूरा जो पॉजिटिव पॉइंट के अंदर हम लोग देखने को मिलता है, असेस द रोल ऑफ द 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल, तो उसके अंदर आपको ये चारों की चारों चीज़ें समझ में आती रहती है। नेगेटिव क्या था? नेगेटिव सबसे फंडामेंटल एक ही था, बोले इंटरनल स्ट्राइफ इनके बीच में बहुत रहती थी, अपॉर्चुनिज्म भी थोड़ी बहुत थी। एक बार सत्ता आती है ना, मैंने बताया गांधी ने क्या बताया, पहले बताया कि पावर करप्ट, फिर बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो यहाँ थोड़ी बहुत सत्ता आ गई तो बहुत सारे लीडर्स एक दूसरे की वो थोड़ी खुफियापंथी के अंदर भी लगे पड़े थे और इसके कारण इनकी इंटरनल स्ट्राइफ थोड़ी बढ़ रही थी। बट वो इंटरनल स्ट्राइफ के अंदर भी आप याद रखेगा कि डिड नॉट ट्राई टू डीमोरलाइज द 28 द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर्टिकुलर। होता है ना कि टेलीफोन होता है घर के अंदर तो रॉन्ग नंबर तो लगेगा, कभी कभी बर्तन होते तो कभी कभी खन 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 आवाज़ आ जाती है, एक थाली गिर गई, चमचा गिर गया, तो ये थोड़ी बड़ी बात है। ओके, तो नेगेटिव के अंदर आप एक आध चीज़ लिख सकते हो, वो पॉजिटिव यहाँ पे ये चार पांच चीज़ें मिलती रहती है। एक और प्रश्न यहाँ से यूपीएससी ने पूछा है 2005 के अंदर, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज अ कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1935। इनमें से कौन से, चलो बताइए बताइए, देखो मैंने आपको लिस्ट दिया था, अगर चार पांच स्लाइड पीछे जाओगे ना, बोलो बताओ, हो गया। देखो इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2005 के अंदर पूछा था, तो आपको प्रोविंसेस के नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि ये कौन से प्रोविंसेस के अंदर सरकार कांग्रेस ने बनाई थी कि नहीं बनाई। देखिए यहाँ कि पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल, तीन स्टेट ऐसे हैं ना जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी बहुत थी, थोड़ा कब से चल रहा है ना मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, कहाँ बात किया था, तीन स्टेट्स के अंदर ही बात किया था जिन्हा ने, जब अपने 14 पॉइंट्स की मांग कर रहा था तब। तो यहाँ पे भी, यहाँ आपको पंजाब देखने को मिलता है, उड़ीसा, बिहार एंड मद्रास, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हो तो भी आप समझ में आ रहा है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रांग थी। इसके लिए तो वो अलग अलग स्टेट, बोले अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन साइज, बोले वहाँ के रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बोले वहाँ की मुस्लिम मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आपको सीट्स देनी पड़ेगी। सो इनडायरेक्टली अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट चाहिए तो वहाँ से भी ले सकते हो, द राइट आंसर इज पंजाब। ओके, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के अंदर इन्होंने अपनी सरकारें बना दी थी।